बंगोपसागर सृष्टि होइथिबा बात्या रेमाल बांग्लादेश और पश्चिमबंगे माड़ होइछि। बात्या रेमाल प्रभाव में पश्चिमबंगर विभिन्न स्थान में प्रबल वर्षा, गच्छ उपुड़ी जिबारो यातायात प्रभावित होइछि। अनेक अंचल में जमी रही पानी, एनडीआरएफ पक्षर उद्धार कार्य जारी रही। गतकाली विलंबित राति 6 घंटा धरी चलिथिला लैंडफॉल रो पूरा प्रक्रिया। रविवार मध्यरात्रि रे एही भीषण बात्या शेखपुरा और सागर द्वीप मझीरे अतिक्रम करिछि। ए समय रे पवन रो बेग घंटा को 130 किलोमीटर रु अधिक रहिथिला। बारिश तो आपको धर लीजिए, रात को 5:30 बजे से स्टार्ट हुआ है बारिश। कल भी हुआ था, गाछ पाचले में गिर गया था, एक आदमी छिपाकर गाछ से मर गया। गर्मी से ठीक है, थोड़ा बारिश से होता है तो आदमी को थोड़ा आराम मिल रहा है। सुबह से बहुत हवा, तेज हवा, बारिश थोड़ा थोड़ा हो रहा था, लेकिन रात में बारिश ज़्यादा हुआ, थोड़ा हवा थोड़ा कम हुआ। अभी का सिचुएशन तो इतना बारिश नहीं है, हवा थोड़ा कुछ है, लेकिन बाकी का पता नहीं सकता। हाँ, अलर्ट किया है थोड़ा धीरे से, क्योंकि पानी कभी भी बढ़ सकता है, कम सकता है, इसलिए थोड़ा अलर्ट किया है। पानी तो बहुत ज़्यादा है, कभी भी अगर दूसरा भी आना, हवा ज़्यादा होगा तो अगर पानी ऊपर आ जाएगा। अभी 2-3 दिन दिक्कत है इधर, डर कर रहना पड़ता है हम लोग को। हाँ, वो अलर्ट कर रहा है, उन लोग आके बाद में घर में घुस के कोई किसी का बस का आदमी है वो है, उस उन लोग को लेके आके वो आइला बिल्डिंग में शिफ्ट करवा रहा है, वो ऐसे कर रहा है। प्रशासन से भी ज़्यादा से हम लोग को अलर्ट कर रहा है, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। राजभवन टास्क फोर्स हैज जस्ट रिटर्न्ड फ्रॉम द फील्ड विजिट। वी आर ऑल ग्रेटली रिलीव्ड दैट नो रिपोर्टेड कैजुअल्टी इज देयर। Remal cyclone is weakening and the people of Bengal have been able to brave it with fortitude and courage. We are watching in case there is any need for any help. Rajbhavan task force is ready. We will all work together to see that we tide over this crisis in a very very effective and proactive manner. ये तो साइक्लोन के वजह से है, ये तो नॉर्मल है। साइक्लोन है तो वो भी एयरपोर्ट भी बंद था, कैसे हम लोग आके, तो वो परेशानी होता अगर आने के बाद अगर पता चलता। अभी आने से पहले पता चल गया तो ठीक है, अभी कोई परेशानी नहीं है, अभी ठीक ही है। ऐसा वेदर है, ऐसा डिजास्टर है तो क्या कर सकते हैं, सभी को एडजस्ट करना पड़ता है। हम लोगों का फ्लाइट 2 घंटे से डिले हो गया, हम लोग पूना जा रहे हैं महाराष्ट्र, तो कुछ नहीं, सब जगह जगह पानी जमा हुआ है, वही थोड़ा दिक्कत हुआ। कैब भी कैंसिल कर रहे थे हमें 1-2 बार, लेकिन फिर फाइनली मिल गया एक कैब, एंड इसीलिए हम थोड़ा अर्ली निकले, बफर टाइम रख के पहुंच तो गए हैं, लेकिन रास्ते में काफ़ी जगह पे वाटर लॉगिंग है बहुत सारा, कैब वालों को भी बहुत दिक्कत हो रहा है। डिस्टर्ब वेदर होबार संभावना नहीं, वर्षा घड़घड़ी बिजुली पवन होबार भी संभावना नहीं, गोटे दुटा जगार हल्का फुल्का वर्षा हो पारे, किंतु एबे टेम्परेचर काली ठारू दिन तापमात्रा 2-3 डिग्री पर्यंत बढ़ी पा धीरे धीरे बढ़ी चल। एबे हीटवेव भाया कंडीशन एबे आगामी 5 दिन आसवर संभावना ना, कारण टेम्परेचर का बहुत कम रही नॉर्मल ठारू, आउ एबे नॉर्मल को आसिया पाई कि भी 2-3 दिन लागियो, 3-4 दिन लागी पारे, तापरे बढ़िले देखा जाउ, किंतु आगामी 5 दिन पाई हीट वेव रो कुछ भी संभावना नहीं, आउ किछ भी बैड वेदर रो संभावना नहीं। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगिला तबे आम चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।